हेलो फ्रेंड, मैं हूँ इमरान और स्वागत करता हूँ आपका IAS PCS अकेडमी में। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमने प्रोकैप के 6 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। जिसने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं, वो सब अपडेट हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा हम SSC CGL की प्रीवियस SSC GS के प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं, वो भी हमारी प्लेलिस्ट में अपडेट है, आप जाकर उसे भी देख लीजिए। और आज संडे है तो सोचा मैंने कुछ आपकी प्रैक्टिस करवा दी जाए। आप ये देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और किस तरह से हमें करने हैं। और ये सब प्रीवियस ईयर है जो मैं बता रहा हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मीनिंग तो वहीं रहते हैं तो ये ही रिपीट होते हैं। तो आप प्लीज़ इसे देखिए और करने की कोशिश करिए, फिर हम आपको बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना। चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियर द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन ईच क्वेश्चन। मतलब सेम मीनिंग नियरली बता रहे, नियरली हमें ढूंढना है इसका। तो नियरली मतलब थोड़ा जिसको आस पास, यानी कि सिनोनिम बता रहे हमें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला वर्ड हमारा सेंशर। सेंशर मतलब क्या होता है? निंदा करना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ निंदा करना होता है, लेकिन अगर ये ना लिखा हो तो आप नहीं पहचान पाएंगे। तो इसीलिए अभी यहाँ पर तो लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे भी याद करिए कि सेंशर मतलब होता है निंदा करना। तो निंदा करने का इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। पहला अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मतलब तो होता है तारीफ करना। बी एब्यूज, एब्यूज तो नहीं होगा, एब्यूज मतलब भी होता है बुराई करना या फिर गालियाँ देना। ब्लेम, ब्लेम मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्रिटिसाइज़, क्रिटिसाइज़ करना यानी कि निंदा करना। तो ये ऐसे आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी, परिश्रमी या फिर मेहनती, जो मेहनत करता हो। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंडस्ट्रियस, ऑप्शन बी इंडिफरेंट, ऑप्शन सी इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मतलब होता है जो काफ़ी स्फूर्ति भरा हो, ताज जो जिसमें एनर्जी हो। इंडिफरेंट मतलब क्या होता है? साधारण, एक मामूली इंसान, ठीक है। और इंटेलिजेंट तो आप जानते हैं, होशियार। तो लेकिन इंडस्ट्रियस, इसका मीनिंग यही होता है सेम, मेहनती, परिश्रम करने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस। आप एनर्जेटिक देख के मत लगा दीजिए, इसका मतलब होता है एनर्जी वाला, मतलब ये परिश्रम ही नहीं बता सकता। ये एक पॉजिटिव जरूर है, लेकिन ये बता रहा है कि ये बस मेहनती, मेहनती नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि एनर्जेटिक है, स्फूर्ति इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन मतलब होता है विचार करना, किसी चीज़ का विचार करना, सोचना। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसका कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब यही होता है, मतलब एक तरह से सोचना, ठीक है। और मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब होता है योगा करना, चिंतन करना। और एनर्जेटिक, एनर्जेटिक फिर से आ गया भाई, ताजगी भरा, जिसके अंदर माना बहुत एनर्जी है। और डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन मतलब ये होता है चिंतन करना, विचार करना। अब देखिए इससे कितने नियरली ऑप्शन है। कंसिडरेशन मतलब ये होता है विचार करना, और मेडिटेशन मतलब एक तरह से देखा जाए तो योगा करना, चिंतन करना ही होता है, लेकिन SSC ने इसे माना है, इसका आंसर माना डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब ये होता है विचार करना, चिंतन करना। तो नियरली जितना भी नियर हो सके आप सोचिए कि जो बिल्कुल ही मैच कर रहा वही होगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है इसकी, क्योंकि ऑप्शन ऐसे देंगे आपको लगेगा कि अरे हाँ ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि लगभग उसके आसपास के ही ऑप्शन होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एडोलेशन। एडोलेशन मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, खुशामद करना। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन तो नहीं, वही तो टाइम पीरियड के बारे में बताता है। आर्गूमेंट, आर्गूमेंट मतलब होता है बहस करना, ये तो होने क्योंकि हमें इसका सिनोनिम चाहिए। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब होता है कोई संस्था, कोई चीज़, कोई संस्था मतलब। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लैटरी। फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी करना, तो ये तो हमें आसानी से मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका क्वीवर। क्वीवर मतलब होता है कांपना, क्वीवर मतलब होता है कांपना, हम कांप रहे हैं। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा जैसे कि क्वेरल, क्वेरल मतलब होता है झगड़ा करना, ये तो होगा नहीं। फिर इसका क्विकन, क्विकन मतलब होता है तेज़ी से, एकदम तेज़ी से। और इसका वेपर, वेपर मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। वेबर मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना। तो ये भी नहीं हो जाएगा। ट्रैम्बल, ट्रैम्बल मतलब होता है कांपना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर डी, ट्रैम्बल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मतलब हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट बताना है यहाँ पर, एंटोनिम बताना है यानी कि। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब होता है शत्रुता, यानी दुश्मनी किसी से। तो इसका पहला लव, ये तो नहीं हो जाएगा। ये लव, इसमें तो एंटोनी बताना है, लव मतलब प्यार होता है, लक लव मतलब किस्मत, लॉस्ट, लॉस मतलब कुछ खो जाना। तो इसका लव हो जाएगा, आसानी से दिख रहा है, लव मतलब प्यार, और यहाँ पर शत्रुता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑल्टरक्रेशन। ऑल्टरक्रेशन, ऑल्टरक्रेशन मतलब होता है झड़प, झगड़ा, बहस करना। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है एक्सप्लेनेशन, यानी कि कोई चीज़ को समझाना, ठीक है।
चैलेंज, किसी को चैलेंज करना, यानी कि एक तरह से चुनौती देना, अपोजिशन हमारी विरोधी पार्टी, तो इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। लेकिन ये क्या है, नेक्स्ट ऐसा कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या होता है, अगर हम किसी से झगड़ा करेंगे तो उससे हम फिर समझौता करेंगे, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा ऑल्टरनेशन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आया है कोक्स। ये आपने पढ़ा है, देखिए ये प्रैक्टिस से होता है, आपने पढ़ा कोक्स मतलब बहलाना, फुसलाना, किसी को अपनी बातों में ले आना। तो इसका क्या डल, डल डल मतलब तो होता है बिल्कुल एकदम मुरझाया हुआ। ठीक है, और एक्टिव, एक्टिव मतलब होता है काफ़ी हम एक्टिव हैं किसी चीज़ में। और इसके बाद क्या ऑप्शन है, वो इसका तो ऑप्शन क्या है, डिसेवेड। डिसेवेड मतलब क्या होता है, डिसेवेड मतलब ये होता है विरुद्ध जाना किसी के। ठीक है, और स्पीड, स्पीड मतलब होता है तेज़ी से। तो हमें इसका अपोजिट बताना है, अपोजिट क्या होगा, फुसलाना या फिर बहलाना मतलब क्या होगा, हम किसी के अगेंस्ट जाएंगे, अगेंस्ट जाएंगे तो क्या होगा, डिसवे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है एरुडाइट। एरुडाइट, एरुडाइट या फिर एरुडाइट कुछ ही बोल सकते हैं, इसमें मतलब होता है विद्वान, मतलब काफ़ी काफ़ी विद्वान है। तो इसका ऑप्शन क्या है, एजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब भी विद्वान होना होता है, मतलब पढ़ा लिखा। स्कॉलरली मतलब भी यही होता है कि हम काफ़ी पढ़े लिखे। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब भी तो कोई काम लगन से कर रहा है, काफ़ी लगन से करने वाला कोई काम। और अनस्कॉलरली मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, और ये विद्वान, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनस्कॉलरली, अनस्कॉलरली। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब होता है धनी, कोई पैसे वाला है, ठीक है, अमीर है। तो इसका अपोजिट ढूंढना हमें, तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, देख लीजिए, पुअर। पुअर मतलब होता है गरीब। और इसके अलावा आपको मीनिंग जाना तो मीनिंग जान लीजिए, फ्लुएंट, फ्लुएंट आ गया है। और रेयर, अगर रेयर मतलब कोई अचानक से कोई चीज़ ना, हाई मतलब कोई चीज़ बहुत हाई है, और फ्लुएंट मतलब कोई फ्लो में चल रही है, तो ये तो नहीं हो जाएंगे, तो आपको दिख ही रहा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेट टू आ गया। चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग, मतलब मोस्ट नियरली सेम मीनिंग, मतलब बिल्कुल आस पास होने चाहिए। तो यानी कि सिनोनिम पूछ रहा हमारा, इसका मतलब वो बताना हमें सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या होगा, पहला वर्ड हमारा इररेवरेंस। इररेवरेंस मतलब होता है अनादर करना किसी की, मतलब एक तरह से अश्रद्धा करना, आज्ञा नहीं मानना, एक तरह से बोल सकते हैं अनादर करना। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है इसका डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट मतलब यही होता है किसी का अनादर करना, किसी की आज्ञा ना मानना। ठीक है, क्रूअलिटी मतलब होता है कि बहुत हम लोग वैसे निर्दयी टाइप के हैं। वेराइटी अपना आप जानते हैं ऑलरेडी। और रेफरेंस, रेफरेंस तो इसका अपोजिट हो जाएगा कि हम किसी का आदर करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हमें सिनोनिम पता करना है। तो पहली ऑप्शन है डिसरिस्पेक्ट, हम किसी का अनादर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल होता है जो काफ़ी मिलनसार है, मित्रवत है। तो इसका हो जाएगा पहला फ्रेंडली, ऑप्शन बी ये फ्रेंडली, ये तो आंसर हो जाएगा, आपको दिख ही रहा है। अब देखिए पॉइजनस मतलब जहरीला टाइप का, सेटिस्फाइंग जो मतलब सेटिस्फाई कर सकता है, और हार्टेनिंग, हार्टेनिंग मतलब क्या होता है, उत्साह, काफ़ी मतलब एक्साइटेड है कोई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब होता है काफ़ी जो बुद्धिमान हो, विवेकशील, विवेकशील हो। तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है इसका स्किल्ड। स्किल्ड मतलब होता है जो काफ़ी बोल सकते हैं यहीं पे काफ़ी स्किल्ड है, हर काम में दक्ष, दक्ष बोल सकते हैं, स्किल्ड मतलब होता है दक्ष। तो नेक्स्ट है इसका एक्सपीरियंस, जिससे काफ़ी एक्सपीरियंस हो काम करने का, जो काफ़ी एक्सपीरियंस हो, मतलब उसे कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस। और कॉशियस, कॉशियस मतलब क्या होता है, कॉशियस मतलब होता है, कॉशियस मतलब यही होता है कि हम काफ़ी काफ़ी परेशान टाइप का, कॉशियस जैसे कि बोल सकते हैं एक सावधान, सतर्क रहने वाला बंदा जो हमेशा अटेंशन में रहता है। ठीक है, क्रिमिनल तो आप जानते ही हैं, अपराधी। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें बुद्धिमान का पूछा गया है, यानी प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान, यानी बुद्धिमान क्या हो सकता है इसका, स्किल्ड हो सकता है। स्किल्ड मतलब भी होता है काफ़ी चीज़ों में हम लोग तेज़ हैं, यानी कि बुद्धिमानी तो हैं। तो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ हमारा ऑप्शन क्वेश्चन है पैनाकिया। पैनाकिया मतलब होता है रामबाण, कोई चीज़ मतलब ऐसी दवा जो सारी बीमारियों का इलाज कर दे। तो फ्लैटर मतलब होता नहीं, ये तो एक तरह से चापलूस। प्रेज मतलब तारीफ करना। इनएक्टिविटी मतलब कोई हम लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं है। और क्योर ऑल मतलब सभी चीज़ों का इलाज, यही ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस मतलब होता है भलाई या फिर परोपकारिता। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला इल विल, दूसरा है मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी, और फिर तीसरा है काइंडनेस, और चौथा है विजन। तो इसका क्या हो जाएगा, भलाई करने वाला होता है। मॉर्बिडिटी मतलब क्या होता है, आपको आंसर बताओ, मॉर्बिडिटी मतलब होता है रेश ऑफ डेथ, जैसे कि हम कहीं पर किसी इलाके के में पता करने के कितने लोग मरे, तो इसका रेशियो बताता है। मॉर्बिडिटी मतलब रेश ऑफ डेथ, यू रेशियो ऑफ डेथ, इसका मतलब ये होता है। विजन तो मतलब आप जानती हैं कि आगे का दृश्य, और काइंडनेस यानी कि परोपकारिता, यही तो हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब होता है जो जलने वाला, ईर्ष्यालु, जो किसी से जलता हो, जिसके अंदर बदले की भावना उतरे से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिवेंजफुल। सीधे सीधे आंसर हो जा रहा है रिवेंजफुल, यहीं से पता दिख रहा है, ऐसे ही आपको दिख जाएगा वहाँ पर अगर आपको खूब अच्छे से मीनिंग तैयार होंगे। और आपको अगर और भी आंसर जाने तो इसका एक ऑप्शन है इसका वेंटिलेट। वेंटिलेट मतलब क्या होता है? वेंटिलेट मतलब कोई मतलब कुछ चीज़ हवादार, वेंटिलेशन ही हम लोग कहते हैं कि हाँ वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा नगर में। रिकमेंड, कुछ चीज़ हम रिकमेंड कर रहे हैं किसी को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑकल्ट। ऑकल्ट मतलब होता है अलौकिक या फिर कोई गुप्त, कोई चीज़ अलौकिक है कोई। तो रिलीजियस, रिलीजियस मतलब तो हम काफ़ी धार्मिक है। अननेचुरल, जो चीज़ नेचुरल नहीं है, मतलब एक तरह से ये हॉरिबल टाइप की हो जाएगी, अरे ये तो डरावनी है। स्ट्रांग मतलब तो काफ़ी ताकतवर। और सुपर नेचुरल मतलब होता है अलौकिक शक्ति, हम लोग कहते हैं उसके पास ये तो सुपर नेचुरल पावर है, एक अलौकिक शक्ति जो इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, ये अलौकिक इस लोक है ही नहीं। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका मैनस। मैनस मतलब होता है धमकी देना, धमकाना, या फिर खतरा, एक तरह से कह सकते हैं खतरा भी है। तो ऑप्शन क्या इसका? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब होता है आपकी, मतलब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और प्रेयर तो आप जानती हैं। और कर्स मतलब होता है श्राप देना। तो इसका ऑप्शन क्या? थ्रेट। थ्रेट मतलब होता है किसी से खतरा में। नेक्स्ट देखते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो आपको मैं करा रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आते हैं तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है, जैसे नहीं आते हैं कुछ भी, जिसका भी मीनिंग नहीं आता वो आप नोट कर सकता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिलिनिएट। डिलिनिएट मतलब किसी चीज़ का, मतलब किसी चीज़ या वस्तु का हम लोग चित्रण करते हैं, यानी कि पेंटिंग करके बता रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन देखो आप दिख रहा है। एक्सप्लेन मतलब किसी चीज़ को खींचना, पढ़ाना। आर्गू मतलब होता है झगड़ा करना। एक्सप्लेन मतलब किसी को समझाना। और पोर्ट्री के मतलब क्या होता है? मतलब पोर्ट्री बनाते हैं, यानी कि आर्ट बनाते हैं, वही होगा इसका मतलब। तो हम चित्रित कर रहे हैं किसी चीज़ को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एप्रोगेट। एप्रोगेट मतलब रद्द कर देना, मिटा देना किसी चीज़ को। तो पहला इसका ऑप्शन है एलॉब। एलॉब मतलब क्या होता है? फरार हो जाना, भाग जाना। गेट क्रैश। गेट क्रैश मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा अक्सर कि लोगों को इन्विटेशन नहीं, जैसे कि कहीं मान लो सभा हो रही है और इतनी भीड़ आ गई, अचानक से गेट तोड़ दिया और घुस गए अंदर, तो बिना इन्विटेशन के घुस जाना, एक तरह से यही हो सकता है गेट क्रैश। और डिस्ट्रॉय मतलब होता है विनाश कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है। और लेकिन एबॉलिश, एबॉलिश मतलब क्या होता है? रद्द कर देना किसी चीज़ को, मतलब रोक देना। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आप सेंस लगाएंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय मतलब विनाश कर देना होता है। कुछ लोग देंगे मिटा देना, इसका मतलब मिटा देना होता है, लोग ये लगाते हैं, लेकिन ना ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने इसके आसपास से ढूंढेंगे, हो जाएगा एबॉलिश, यही आंसर है इसका एबॉलिश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट। आपके बार अपोजिट ढूंढना है, यानी कि जो मीनिंग में अपोजिट, यानी कि एंटोनिम ढूंढने हैं हमारे। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ऑमेट। ऑमेट मतलब होता है हटाना या फिर चुकाना, चूकना या चुकाना। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है इसका एक्सक्लू, इसका मतलब ही हटाना होता है। हमें तो अपोजिट ढूंढना है इसका। अंडरटेक, अंडरटेक मतलब होता है वादा करना या फिर वचन करना, ठीक है। और इंक्लूड, इंक्लूड मतलब किसी चीज़ को इंक्लूड कर देना, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऐसा हो जाएगा एसएससी ने माना है ऐड। ऐड मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, हालांकि इंक्लूड मतलब भी होता है, इंक्लूड मतलब तो हाँ जोड़ना ही होता है और ऐड मतलब भी जोड़ना होता है, लेकिन वो ऐड कुछ ज़्यादा ही ले रहा है, अनियरली बता रहा है उसके बारे में, इसलिए ऐड को माना है एसएससी ने इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एक एक करना, किसी चीज़ को सम्मिलित करना, इकट्ठा कर देना। तो इसका हमें अपोजिट ढूंढना है, तो यूनिटी मतलब होता है इकट्ठा करना किसी चीज़ को, सिंथेसिस मतलब भी होता है हमें किसी चीज़ को क्या कर देना है, मिला लेना है। और लिंकिंग मतलब होता है किसी चीज़ से जोड़ देना, ये तो तीनों इसके सिनोनिम होगा, लेकिन हमें अपोजिट ढूंढना क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब यही होता है, मतलब इससे अलग कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिनीएचर। मिनीएचर मतलब कोई चीज़ बहुत छोटी है, लघु है, सूक्ष्म है। तो पहला ऑप्शन है इसका लार्ज। लार्ज तो हो जाएगा बड़ा। लीस्ट, लीस्ट मतलब हो जाएगा थोड़ा। हैवी, हैवी मतलब हो जाएगा भारी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आसान है, स्मॉल। लेकिन ये तो इसका सिनोनिम हो गया, हमें इसका क्या करना है? एंटोनिम ढूंढना है। यही देखिए, यही कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, जैसे मुझसे हो गई है। मैंने अभी देखा सोचा सिनोनिम हो जाए कि हम लोग एंटोनिम ढूंढ रहे हैं, अक्सर एग्जाम में हम लोग यही करते हैं। तो 13 का हो जाएगा ए हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा ए, क्योंकि हमें तो बड़ा ढूंढना है, इसका एंटोनिम ढूंढना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब होता है खत्म कर दिया किसी, मतलब कि एकदम से नहीं, थकावट एकदम से खत्म हो गए बिल्कुल। तो इसका पहला हो जाएगा टायर्स। टायर्स मतलब ये होता है थक गए हम लोग बिल्कुल। एम्प्टीज मतलब भी यही होता है, हम लोग खाली हो गए बिल्कुल, थक गए, ठीक है। और ट्रेन मतलब ही होता है कोई चीज़ खाली हो जाना। ड्रेन्स मतलब कोई चीज़ खाली हो गई है। इसका क्या है? इनविगोरेट्स। इनविगोरेट्स मतलब क्या होता है? ऑप्शन क्या है? इनविगोरेट्स। इनविगोरेट्स मतलब क्या होता है? मतलब हम लोग किसी में हम लोग एनर्जी भर दी, एकदम से नहीं ताजगी ला दी, ऐसी काम करते कि हमने इनविगोरेट्स हो गए हम लोग, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
डिस्टेंट, डिस्टेंट आप समझ रहे हैं दूर, कोई दूर दराज की चीज़ है, यानी कि फॉर ये भी दूर दराज मतलब होता है, इमिनेंट, इमिनेंट मतलब भी होता है कोई चीज़ काफ़ी, मतलब ये कह सकते हैं सन निकट है, निकट तो है मगर ऐसा नहीं सन निकट है, और क्लोज, क्लोज मतलब तो बहुत ज़्यादा नज़दीक होना, अलॉन्ग, अलॉन्ग मतलब होता है साथ रहना, तो हम इसका अपोजिट ढूंढना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा आंसर, क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट आप जानते हैं कोई चीज़ ऐसी जिसके आर पार देखा जा सके, यानी कि पारदर्शी है, तो क्लियर, क्लियर मतलब साफ सुथरा, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, और क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब भी क्या होता है, क्रिस्टल मतलब होता है एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरा है, और इसका नेक्स्ट क्या है, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब यही होता है साफ सुथरा, तो इसका क्या हो जाएगा, ओपेक, ओपेक मतलब होता है एकदम से जो चीज़ जिसके आर पार देखा ना जा सके, इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एनकाउंटर, यानी कि किसी से मुठभेड़ होना, किसी का सामना करना, तो इसका पहला ऑप्शन है अवॉइड, अवॉइड, अवॉइड मतलब होता है किसी से पीछा छुड़ाना, मतलब उसे, उसकी तरफ ध्यान मत देना, तो आंसर तो इसका यही हो जाएगा, पहले ही यहीं पे दिख गया है। अब देखिए एनरिस्ट, एनरिस्ट मतलब क्या होता है, एनरिस्ट मतलब होता है बढ़ा देना किसी चीज़, किसी बात को बढ़ा देना, किसी चीज़ से सामना करना, नहीं बढ़ा देना उस बात को, और फेस्ड, फेस्ड मतलब ये तो सामना करना, ओवरकम, ओवरकम मतलब ये तो उसे काबू पाने, मुठभेड़ करना एक तरह से, ये देख सकते हो ओवरकम करना, ये सब इसके सिनोनिम आ रहे हैं, हमें एंटोनिम होता है अवॉइड, अवॉइड मतलब नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है हैंडी, हैंडी मतलब होता है काफ़ी आसान है जो, ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन है कंबर्सम, कंबर्सम मतलब होता है भारी भरकम, कोई चीज़ बहुत भारी है, हैंडफुल, हैंडफुल मतलब जो हमारे लिए काफ़ी आसान है, हैवी, हैवी मतलब ये होता है भारी होना, ठीक है, और अनवील्ड।